दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं मोहम्मद इनाम, मैं आया हुआ हूँ नासरीगंज प्रखंड के धनाव पंचायत के मौना गांव में। मौना गांव में यहाँ हमारी मुलाकात हुई है संजर खां, जो लगातार 3 टर्म से पैक्स अध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी खूबी की बात है कि वो काफी दिनों से जदयू के प्रखंड अध्यक्ष रहे हैं, और उन्होंने क्या कहा खुद सुनते हैं उनकी जुबानी। सबसे पहले तो हम नासरीगंज प्रखंड ग्राम मौना में आए बाबा दर्शन न्यूज़ चैनल का धन्यवाद और स्वागत करते हैं कि बाबा दर्शन न्यूज़ आज गली कूचे में भी पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक की आवाज़ को हमारे बिहार के मुख्यमंत्री सुशासन बाबू माननीय श्री नीतीश कुमार जी तक कमज़ोरों की आवाज़ को पहुंचाने का एक बेहतरीन मार्गदर्शन देता है। इसलिए हम फिर से बाबा दर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करते हैं। और रहा सवाल आज जो हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह के माहौल चल रहे हैं, इसी हिंदुस्तान के अंदर हमारा सूबे बिहार भी आता है, और इसी सूबे बिहार के 3 टर्म से रह रहे माननीय श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, इनके नेतृत्व में हमारा बिहार चल रहा है। और जब से बिहार की कुर्सी पे इन्होंने शपथ ग्रहण किया पहली बार मुख्यमंत्री का, उससे उसी वक्त से आज तक हमारे बिहार का जो सद्भावना है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का पूरे हिंदुस्तान के हर सूबे को ये मिसाल दिया जा सकता है कि आज तक किसी भी तरह का कोई सांप्रदायिक दंगा या किसी गड़बड़ माहौल करने वालों को माननीय नीतीश कुमार जी का साफ कहना है कि ना हम गड़बड़ करने वालों को कभी बचाते हैं और ना ही गड़बड़ करने वाले का साथ देते हैं। भाइयों बुजुर्गों, हम ये आपको बताना चाहते हैं कि आज हमारे यहाँ बकरीद का पर्व पूरे बिहार के अंदर बड़ी अमन और शांति के साथ लोगों ने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद लोग अपने अपने घरों पे अपनी अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से कुर्बानियाँ की, और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारे सूबे बिहार के अंदर बहुत शांति ढंग से पर्व को मनाया गया। इसके लिए हम अपने बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश जी को अपनी समुदाय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक बात और मैं बाबा दर्शन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि कल मैं न्यूज़ देख रहा था उत्तर प्रदेश का योगी सरकार का, और योगी सरकार ने जिस तरह का लहजा इस्तेमाल करके प्रोत्साहन दिया है हिंदू मुस्लिम भाईचारे का, वो एक बेमिसाल है। चूँकि पर्व की निगरानी पूरी तरह से ड्रोन के माध्यम से, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, कि किसी भी तरह का कोई बलवाई वहाँ हरकत ना कर सके। चूँकि बकरीद का पर्व है और इसमें जो है लोग कुर्बानियाँ देते हैं, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कांवरिया भी एक तरफ से जाएगा, मुहर्रम का पर्व आ रहा है, दोनों का जुलूस एक रास्ते से ना हो जाकर ज्वाइंट हो जाए, दोनों के रास्ते जो है वो अलग अलग होंगे, और कांवरियों के रास्ते में ना किसी तरह का मीट मछली की व्यवस्था हो और ना ही कोई ऐसा प्रतिबंध पशु कोई हत्या करके भेज दे। तो ये बड़ी सराहनीय कदम उठाया है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने, और मैं इसके लिए योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपने समुदाय के लोगों की तरफ से देना चाहूँगा कि इसी तरह का अगर कार्य करते रहे तो आने वाले दिनों में हमें ऐसा लगता है कि मुस्लिमों का भी मन बीजेपी की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।